चिदानंदाकारं श्रुति सरस सारं समरसं निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणं रमाग्रीवाहारं ब्रजवन विहारं हरनुतं सदा तं गोविंदं परम सुखकंदं भजत रे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रिये वभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वा नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हादेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये परमहंस मृग्यमान प्रेम रस पिपासु रसिक समुदाय, थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर
पाला। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कुछ लोगों ने मेरे समक्ष प्रस्ताव रखा है कि जो आप वंदना के समय अंतिम वेद मंत्र बोलते हैं, रोज बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है। वो समझते हैं इसी वेद मंत्र में कोई चमत्कार है। बड़ी बड़ी बुद्धि लगा रहे हैं हमारे संसार में लोग कि 88 साल की उम्र में ये इतने शास्त्र वेद के कोटेशन प्लस नंबर कैसे बोलते हैं। तो हो सकता है इसी वेद मंत्र में कोई कमाल हो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि श्वेताश्वतरोपनिषद के 6वें अध्याय का 18वां मंत्र है। इस मंत्र का सीधा सा अर्थ है, यो ब्रह्माणं विदधात, जो सबसे पहले अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को प्रकट करता है। सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट होते हैं श्री कृष्ण की नाभि से। इसके बाद भगवान के श्वास से चारों वेद प्रकट हुए। चार मुख हैं ब्रह्मा के, तो पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण के
मुख से यजुर्वेद, पश्चिम के मुख से सामवेद, उत्तर के मुख से अथर्ववेद, और फिर इसके बाद जिसने ब्रह्मा को इन वेदों का अर्थ ज्ञान कराया, यो ब्रह्माणं विदधाति यो वै वेदांश्च प्रहिणोति, मैं उनकी शरण में हूं, वे आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक हैं, समस्त जीवों के आत्मा और बुद्धि में वे शक्ति देते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के मैं मुमुक्षु, उनकी प्राप्ति की इच्छा वाला शरण में हूं, बस ये अर्थ है। अरे कोई भी वंदना होगी उसका यही अर्थ होगा, हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपके शरण में है, हे भगवान कृपा करो, और क्या होगा, सारी स्तुतियों का यही अर्थ है। अस्तु, मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों का समाधान करना है। क्यों, कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले कारण सामने आता है, क्यों, रात में सोने के बाद उठते हैं, क्यों, उठने के बाद शारीरिक क्रिया कर्म करते हैं, क्यों, प्रत्येक कर्म के करने के पहले कारण आता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। वेद कह रहा है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते, कारण के बिना कोई कार्य कभी नहीं होता। योग शिखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र, और ये त्रिपाद्यभूति नारायणोपनिषद में भी ऐसा ही मिलता जुलता मंत्र है, कारणे न बिना कार्यम नो देति, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। तो कारण क्या है, एक अपना सुख, अपना 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 माने मैं का, मैं माने यही तो नहीं जानते हम लोग, इसी मैं को तो जानना है। अगर मैं को जान ले तो अपना सुख समझ में आ जाए। फिर भी चाहते हैं अपना ही सुख। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है नवा अरे पतिः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवत्, नवा अरे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवत्।
नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियाः भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे पशूनां कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशवः प्रियाः भवन्ति नवारे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रियाः भवन्ति नवा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रियाः भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी चार पांच छह बृहदारण्यक उपनिषद इतना बड़ा मंत्र इस मंत्र का मतलब क्या है वही प्रत्येक जीव अपना सुख चाहता है बस हाँ दूसरे के सुख के लिए कोई कुछ नहीं करता कुछ नहीं कर सकता सब अपने सुख के लिए करते हैं बाकी सब दिखावा छलावा शो बनावट धोखा लेकिन हम लोग इस धोखे से बचते नहीं सब धोखे में पड़ जाते हैं कोई किसी के धोखे में पड़ा है कोई किसी के धोखे में पड़ा है विश्वास किए है और कुछ दिनों बाद जब विश्वास घात हुआ अरे वो वेद में ठीक कहा है सम्मतल भी है सर्वस्वार्थम समीहते सर्वेषां विभूतानां आत्मैव बल्लभा इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद बल्लभतयैव हि सुखदेव परमहंस ने कहा था सर्वेषां विभूतानां नृपस्वात्मैव बल्लभा सब अपने सुख के लिए संसार में कर्म करते हैं और जितना सामान चाहते हैं उस सामान के लिए सामान नहीं चाहते अपने लिए चाहते हैं हम लोग रसगुल्ला खाते हैं तो क्या रसगुल्ले के सुख के लिए खाते हैं अपने सुख के लिए अपने स्वार्थ के लिए और स्वार्थ वही है भूलना नहीं सुख लेकिन अपना सुख अपना माने मैं का भूलना नहीं मैं माने जीव आत्मा वाला सुख
शरीर वाला नहीं, हमको जो भ्रम हो गया है माया ने, जो जैसा मैंने कल बताया था आवरणात्मिका जीव माया ने जो हमको अपने स्वरूप को भुला दिया और शरीर हूं ऐसी फीलिंग करवा दिया, तो शरीर के सुख को अपना सुख मान लिया और भाग पड़े, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। बीच बीच में कोई जानकार मिल गया, उसने कहा आप कहां जा रहे हैं, ऐ बोलो मत, मेरे पास टाइम नहीं। अरे श्रीमान जी, मैं आपका ही तैसी हूं, जरा सुन लो। अगर कोई सुन भी ले, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये सब लोग जा रहे हैं इधर, बेवकूफ है, तुम बड़े बुद्धिमान हो अकेले, चलो जी इधर भागो। आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा को किसी ने देखा है? शरीर है ये देख रहा है, इसका सुख भी दिख रहा है, मां को चिपटाने में सुख मिल रहा है, ये प्रत्यक्ष है, हम कैसे न माने।